डार्क वेब। आज के दिन इंडिया में 750 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन आधे से भी ज़्यादा यूज़र्स को नहीं पता डार्क वेब क्या है और क्या होता है इसके अंदर। सो हे गाइस, मैं हूं अरिजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है डार्क वेब और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करना इलीगल क्यों कहा जाता है। तो लेट्स गो। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो पूरा वेब सिस्टम का 4% हिस्सा होता है, बाकी का 96% हिस्सा छुपा हुआ रहता है, जिसे हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहां दुनिया भर के इलीगल काम किया जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। डार्क वेब के अंदर और भी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम वेब के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है पूरा दुनिया का डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके अंदर दुनिया भर का डिटेल स्टोर किया जाता है। और वेब को दो भागों में बांटा गया है, एक है सरफेस वेब और दूसरा है डीप वेब। और डीप वेब के अंदर ही एक ऐसा काला दुनिया है जिसे डार्क वेब के नाम से भी जाना जाता है, जहां आपको दुनिया भर के हैकर्स मिलेंगे और इलीगल काम किया जाता है। एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो कल्पना कीजिए, एक लंबा सा गुफा है जिसे हम दिन के उजाले में जितना देख सकते हैं उसे कहेंगे सरफेस वेब, और इसके अंदर के हिस्से को कहेंगे डीप वेब, जिसके अंदर इलीगल काम भी किया जाता है, जिसे हम कहेंगे डार्क वेब। और इस गुफे के अंदर जाने के लिए जैसे हमें आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही डीप वेब के अंदर जाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। हम जो वेब के सिर्फ 4% हिस्सा ही यूज़ कर पाते हैं उसे कहते हैं सरफेस वेब, और इसके अंदर के जानकारी को गूगल के जैसे सर्च इंजन से और गूगल क्रोम ओपेरा मिनी जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। हम दिन भर के जो ऐप्स या वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी कई सारे वेबसाइट्स सरफेस वेब में मौजूद रहता है, जिन्हें हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं। और जो भी जानकारी हमें गूगल में मिल जाते हैं वो सब सरफेस वेब में ही मौजूद रहता है। सरफेस वेब पूरे वेब सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी का 96% हिस्से को गूगल जैसे सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही गूगल क्रोम ओपेरा मिनी जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम डीप वेब कहते हैं, जहां पर दुनिया भर के सरकारी डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स, रिसर्च पेपर्स और कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखा जाता है, और ये सब लीगल होता है। और यहाँ यूज़र आइडेंटिटी और उनके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। आपका आइडेंटिटी, एड्रेस और आप कौन से वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप कहाँ से आए और कहाँ चले गए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। डीप वेब में प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के वजह से दुनिया भर के सरकारें और एजेंसीज अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डीप वेब में स्टोर करके रखते हैं, और ये इलीगल भी नहीं होता। इसी डीप वेब का गलत यूज़ करने के लिए कई हैकर्स और कहे तो एनोनिमस, यानी जिनका कोई डिटेल्स नहीं होता, जिनको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है, वो लोग दुनिया भर के इलीगल काम करते हैं। डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है। आमतौर पर डार्क वेब में ड्रग डीलिंग किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चोरी का सामान, हैकिंग, साइबर क्राइम, चाइल्ड प्रोनोग्राफी और ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स का डिटेल्स बेचा जाता है, और इसीलिए इस डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है, जो इलीगल होता है। अगर आपको डीप वेब या डार्क वेब कैसे यूज़ करते हैं जानना है तो नेक्स्ट वीडियो बना के समझाने का ट्राई करूँगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।